श्री राम जी राजनीति के वो स्तंभ हैं जिसे बड़ी सी बड़ी ताकत भी नहीं हिला सकती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनके बिना राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति नहीं होती तो राम मंदिर ही नहीं होता। और राम राजनीति की मर्यादा है कि न तो बाली का साम्राज्य लिया न लंका ली सोने की। राम धर्म की मर्यादा है कि रावण को मारा भी तो लक्ष्मण को जब उपदेश लेने के लिए ज्ञान लेने के लिए भेजा तो कहा सर से हटो पैर की तरफ आओ प्रणाम करके आओ तब इधर आओ। राम परिवार की मर्यादा है, चाहते तो न जाते वन की तरफ लेकिन कहा कि ना हमारे पिता को हमारी माँ को पीड़ा नहीं होना चाहिए। और तो और राम तो बालपन की भी मर्यादा है। जब कोई कहता है कि हमारे घर में राम जन्मे हैं तो वो तो नटखट नहीं मर्यादित बालपन की उम्मीद करता है। और उन राम के लिए विपक्षी पार्टियां कह रही कि किसी को षड्यंत्र करना पड़ा कि राम मंदिर बने। आप कल्पना कीजिए इस देश में, जिस देश में राम के नाम से सब कुछ है, वहां एक वर्ग बड़ा तैयार रहा जो कह रहा है कि षड्यंत्र करके राम मंदिर बनाया गया। और सर्वोच्च न्यायालय के छिटपुट ऑब्जर्वेशन को तो लेकर आए लेकिन जो आखिरी फैसला आया जो कह रहा है कि वही राम जन्म स्थान है, बाबरी के नीचे 14 कलश हिंदू मंदिरों के, सब कुछ टिका उसी पर, जो कुछ मिला वो हिंदू मंदिरों का अवशेष, उसको भूल गए। यानी मानस का उपयोग भी आपको राम के खिलाफ करना है। गोस्वामी जी को बड़ी पीड़ा हो रही होगी। जय श्री राम।